अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज क्लास नाइन्थ मैथमेटिक लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 3 लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज की कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, इसको डिस्कस करते हैं। और आज का हमारा जो लेक्चर आउटलाइन है वो फुल एक्सरसाइज है। सबसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं। आइए, इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ मैट्रिक्स, यानी दो मैट्रिक्स को हम कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। एंड देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ आ मैट्रिक्स बाय आ रियल नंबर, अगर एक मैट्रिक्स है इसके साथ कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई होता है, हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट किस तरीके से हम हासिल करेंगे, आज हम वही पढ़ेंगे। देन इसके बाद हम कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशंस ऑफ आ मैट्रिसेस, ये दो लॉस हैं उनको डिस्कस करेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशंस एंड एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशंस ऑफ आ मैट्रिसेस, इनको स्टडी करेंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट फिर हमारे पास आता है एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आ मैट्रिक्स। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ आ मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे और इसकी कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस करेंगे। एंड देन हम इसके बाद पढ़ेंगे कि एडिटिव इनवर्स ऑफ आ मैट्रिक्स, फिर एडिटिव इनवर्स किसी मैट्रिक्स का किस तरीके से फाइंड करते हैं वो पढ़ेंगे। और इसके बाद फिर हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमने पहले पढ़ना है कि एडिशंस ऑफ आ मैट्रिक्स, एडिशंस ऑफ आ मैट्रिसेस। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे एडिशंस ऑफ आ मैट्रिसेस। सो डियर स्टूडेंट्स, हम दो मैट्रिक्स को ऐड किस तरीके से करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4, एंड एक और मैट्रिक्स है जिसको हम बी कहेंगे। फर्ज करें कि ये 3 5 7 2, ये दो मैट्रिक्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, इनको हम ऐड किस तरीके से करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पढ़ा होगा कि अगर हम रियल नंबर हैं 2 प्लस 5 है, सिंपली इनको हम ऐड करके इसका आंसर 7 आता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने मैट्रिसेस को ऐड करना है, तो मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए सबसे पहले हमें ऑर्डर सेम होना चाहिए। जो मैट्रिक्स दो हम ऐड करते हैं इसको, इसका ऑर्डर यानी फर्स्ट मैट्रिसेस के जितने नंबर्स ऑफ रो और जितने नंबर्स ऑफ कॉलम है सिमिलर, इसी तरीके से मैट्रिक्स बी का भी होना चाहिए। तो हो गए, तो तब पॉसिबल होता है हम एडिशन कर सकते हैं। अगर ऑर्डर सही, अगर सेम ऑर्डर ना हो तो हम एडिशन नहीं कर सकते हैं। कैसे देखें, अब ये मैट्रिक्स देखें डियर स्टूडेंट्स, इसका 2 बाय 2 ऑर्डर सेम है, तो देन हम इनको ऐड कर सकते हैं ए प्लस बी। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ए वाला मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 4, इसके बाद दरमियान में जो एडिशन का जो साइन है प्लस लगाएंगे। देन इसके बाद 3 5 7 2, यानी बी मैट्रिक्स हम लिखेंगे, इधर लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए ए प्लस बी क्या आएगा हमारे पास, ए प्लस बी। डियर स्टूडेंट्स, हमेशा क्रास्पोंडेंट्स एलिमेंट्स जो है वो ऐड होंगे। 1 का क्रास्पोंडेंट, इस मैट्रिक्स का क्रास्पोंडेंट्स यही कहलाएगा। 1 का 3 है, 2 का 5 है, 3 का 7 और 4 का 2, तो डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस 3 होगा, 1 प्लस 3। फिर इसके बाद 2 प्लस 5 होगा, देन 3 प्लस 7, 3 प्लस 7, फिर 4 प्लस 2। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ऐड किया, इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाता है कि 4 7 10 एंड 6। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ए प्लस बी मैट्रिक्स आ गया। ये दो मैट्रिक्स हम इस तरीके से ऐड करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में आया होगा। फिर इसके, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शंस ऑफ आ मैट्रिक्स,
सब्ट्रैक्शंस ऑफ अ मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस आएगा क्योंकि हमने सब्ट्रैक्शन एक से ज्यादा मैट्रिसेस का करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि नेगेटिव यानी माइनस करना। तो इसके लिए भी यही कंडीशंस होती है डियर स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्शंस के लिए भी ऑर्डर का सेम होना लाजमी है। जिन मैट्रिसेस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उनको ऑर्डर सेम होना लाजमी होता है। तो फॉर एग्जांपल हम किस तरीके से करते हैं सुने, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जो कि हमारे पास है 2, 5, 3, 7। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक और मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, हमारे पास 2, 5, 2, 6, 3, 8। डियर स्टूडेंट्स, ये दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है। तो अब हम मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे कि ए माइनस बी, यानी ए से बी हम माइनस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ए वाले मैट्रिक्स लिखेंगे 2, 5, 3, 7, देन दरमियान में हम माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे डियर स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद 2 बी वाला मैट्रिक्स लिखें 3 और 8, ये बी वाला मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स। अब इसका भी सिमिलर तरीका है कि जिस तरीके से हम क्रास्पोंडेंट जो एंट्रीज है एलिमेंट्स हैं उनको माइनस करते हैं हम, तो ए माइनस बी बराबर होगा डियर स्टूडेंट्स 2 माइनस 2, 5 माइनस 6, 5 माइनस 6, 3 माइनस 3, 3 माइनस 3, फिर 7 माइनस 8। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्रास्पोंडेंट्स एलिमेंट्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो देन हमारे पास 2 में से 2 निकाले तो हमारे पास 0 आ गया डियर स्टूडेंट्स, 5 में से 6 माइनस 1 आ गया, ये 3 में से 3 0, फिर ये माइनस 1। डियर स्टूडेंट्स, इस किस्म का हमारे पास मैट्रिक्स आ गया ए माइनस बी, यानी ए माइनस बी करने से हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। डियर स्टूडेंट्स, हम इस तरीके से माइनस सब्ट्रैक्शन और एडिशन करते हैं दो मैट्रिसेस को आपस में। इसी तरीके से और भी हैं हम कर सकते हैं इसी तरीके से। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। मुझे उम्मीद है स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर हम आगे मूव करते हैं कि मल्टीप्लिकेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर, इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स बाय रियल नंबर। अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स हो डियर स्टूडेंट्स, उसको कोई रियल नंबर्स मींस 1, 2, 3, -1, -2 जोन से भी हैं, ये सारे रियल नंबर कहलाते हैं डियर स्टूडेंट्स। अगर किसी मैट्रिक्स के साथ रियल नंबर मल्टीप्लाई होता है तब क्या होता है, हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। आइए फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है यानी 2A है, A के एंट्रीज 2 इंटू ए क्या आएगा, जैसा 1, 2, 3, 4, 5, 2, 6, 3, 1, इस तरह का एक हमारे पास मैट्रिक्स है। तो डियर स्टूडेंट देखिए, ये 2 एक रियल नंबर है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 2 हर एंट्रीज के साथ होगा। मल्टीप्लाई का तरीका यही है डियर स्टूडेंट्स, 2 जाके 1 के साथ होगा, पहले 2 जाके फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 जाके 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 जाके 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 जाके इस पूरे रो के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 जाके इस पूरे रो के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए सॉल्यूशन करते हैं कि मैट्रिसेस के अंदर आएगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि ये 2 तमाम एंट्रीज के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर कोई रियल नंबर मल्टीप्लाई करना हो तो हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आगे देखें तो 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 2 4 दा 8, 2 5 दा 10,
टू सिक्स द सॉरी टू टू द फोर टू सिक्स द ट्वेल्व टू थ्री द सिक्स टू वन द टू। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास कोई रियल नंबर हो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हम इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। डियर स्टूडेंट्स ये बात भी आपको समझ में आया होगा। अगर इसी तरह हमारे पास टू बाई टू का कोई है, ये थ्री बाई थ्री का कोई मैट्रिक्स था, इसी तरीके से फॉर एग्जांपल हमारे पास थ्री ए यानी हमारे पास ये थ्री बी कहें चले थ्री बी और हमारे पास थ्री इंटू बी का एंट्रीज हमारे पास अगर वन टू थ्री है, तो डियर स्टूडेंट ये थ्री जाके सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा यानी थ्री मल्टीप्लाई बाय वन थ्री मल्टीप्लाई बाय टू थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री। तो डियर स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे थ्री वन द थ्री थ्री टू द सिक्स थ्री थ्री द नाइन, ये मैट्रिक्स आंसर कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आया होगा। फिर अब हम मूव करते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ अ मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स अब देखें हम पढ़ेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये एक लॉ है, इसको एक लॉ है। फॉर एग्जांपल डियर स्टूडेंट्स टू प्लस फाइव करने से हमारे पास आंसर, या फाइव प्लस टू करने से क्या आता है, इसका भी आंसर सेवन आता है। डियर स्टूडेंट्स का भी आंसर सेवन आता है, तो हम कहते हैं ये दो नंबर कम्यूट कर रहे हैं। तो इसी तरीके से दो मैट्रिसेस भी इसी तरीके से करेंगे। कैसे डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास दो मैट्रिसेस, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास बी है। डियर स्टूडेंट्स एक ए मैट्रिक्स है एक बी मैट्रिक्स, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो कुछ इस तरह का आता है। हम अगर बी प्लस ए मैट्रिक्स करते हैं तो इन दोनों का रिजल्ट सेम आता है, तो हम कहेंगे कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी कम्यूटेटिव लॉ को ओबे करते हैं यानी सेटिस्फाई कर रही है, तो इसको कहते हैं हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशंस। यानी मैट्रिक्स ए प्लस बी करने से जो आंसर आ रहा है वही आंसर बी प्लस ए करने से भी आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आइए एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसके वन टू थ्री फोर है, और एक मैट्रिक्स हमारे पास बी है डियर स्टूडेंट्स टू थ्री फोर वन है। फॉर एग्जाम्पल आप इन दोनों को सबसे पहले बेटा डियर स्टूडेंट्स इसको शो करने के लिए सबसे पहले ए प्लस बी करेंगे हम, तो जिस तरीके से हमने ऐड किया था इसी तरीके से ए के एंट्रीज लिखेंगे ए टू थ्री फोर, फिर दरमियान में एडिशन का साइन ऐड करेंगे, फिर बी मैट्रिक्स है तो बी मैट्रिक्स ये वाला हम लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, और देन हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है डियर स्टूडेंट्स कि वन प्लस टू हमारे पास थ्री आ गया, टू प्लस थ्री अब कॉरेस्पोंडिंग एंट्रीज ही ऐड होंगे तो फाइव आ गया, थ्री प्लस फोर डियर स्टूडेंट्स सेवन आ गया, अब फोर प्लस वन तो डियर स्टूडेंट्स ये फाइव आ गया। तो ये हमारे पास ए प्लस बी मैट्रिक्स ऐड करने से आगे इक्वेशन वन वन का नाम दे डियर स्टूडेंट्स, देन हम क्या करेंगे अब बी प्लस ए करेंगे तो बी प्लस ए, तो डियर स्टूडेंट्स पहले अब बी वाले मैट्रिक्स लिखेंगे टू थ्री फोर वन, तो दरमियान में एडिशन का साइन ऐड करेंगे, फिर मैट्रिक्स ए लिखेंगे ए वन टू थ्री एंड फोर, तो डियर स्टूडेंट्स इनको ऐड करें तो क्या था हमारे पास टू प्लस वन डियर स्टूडेंट्स थ्री, थ्री प्लस टू डियर स्टूडेंट्स फाइव, देन इसके बाद फोर प्लस थ्री सेवन, वन प्लस थ्री फाइव। तो डियर स्टूडेंट्स देखें ये इक्वेशन टू, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू देखें तो डियर स्टूडेंट थ्री फाइव इधर भी आ रहा है, सेवन फाइव इधर भी आ रहा है,
तो हम इन दोनों को कंपेयर करें तो हमें पता चला कि डियर स्टूडेंट्स ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे, ये कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब कम्यूटेटिव लॉ ऑफ, अच्छा अब सेकंड लॉ है हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ आवर मैट्रिसेस, एसोसिएटिव लॉ। अब हम यही डिस्कस करेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस। ये स्टूडेंट ये भी एक लॉ है, जिस तरीके से हम तीन नंबर को ऐड करते हैं किसी तरह, मिसाल हमारे पास 3, 5 और 7 तीन नंबर से। ये स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल अगर हम रियल नंबर की बात करते हैं तो देखें 3 + 5 + 7 फॉर एग्जांपल ये तीन ऐड हो रहे, पहले वाले 3 + 5 + 7 फिर हम क्या करते हैं 3 + 5 + 7 यानी पहले इस दो को ऐड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस इनका भी आंसर सेम आएगा और इनका भी आंसर सेम आएगा। कैसे 5 + 3 करने से 8 आता है, +7 3 + 7 + 5 करने से 12 आता है। डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से 7 + 8 करने से 15 आता है, इज इक्वल टू 12 + 3 करने से भी 15 आता है। तो डियर स्टूडेंट्स क्या हो गया, तीन नंबर को हम ऐड करते हैं कुछ इस अंदाज में ऐड करते हैं भी तो आंसर यही आता है, अगर इसी अंदाज में भी ऐड करते हैं तो भी आंसर यही आता है। तो डियर स्टूडेंट्स क्या समझ में आ रहा है आपको, इस ये कह रहे हैं ये दो ये तीन नंबर कम्यूटेटिव लॉ को ओबे कर रहे हैं। तो हम इसी तरीके से भी इसी तरह मैट्रिसेस भी यही करते हैं। डियर स्टूडेंट तीन मैट्रिसेस हमारे पास गिवन हो, अगर इनको हम ऐड करते हैं कुछ इसी अंदाज में, आ जाइए मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, हमारे पास है 2, 3, 4, 5 एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास बी है डियर स्टूडेंट्स जो कि 3, 3, 1, 1, 2 है। इसी तरीके से एक मैट्रिक्स हमारे पास सी है डियर स्टूडेंट्स, सी मैट्रिक्स है 1, 0, 5, 3 कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें अब हमारे पास ये तीन किस्म के मैट्रिक्स हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी। डियर स्टूडेंट पहले ए प्लस बी करो फिर इसके बाद सी करें तो जो आंसर आता है ए प्लस बी प्लस सी, पहले बी प्लस सी को ऐड करें देन ऐड यही करें तो ये क्या करेगा, ये जो आंसर देगा वही आंसर ये भी देगा क्या है। इसको हम कहते हैं कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ अ मैट्रिसेस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम ए प्लस बी को सोल्व करेंगे, देन पहले ए वाले मैट्रिक्स को हम लिखेंगे। ए क्या है डियर स्टूडेंट्स, 2 है 3 है 4 है 5 है प्लस है। बी मैट्रिक्स हम लिखेंगे 3, 1, 1, 2 पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम सोल्व करेंगे। अब इनमें एक बड़ी सी ब्रैकेट डाल दें स्क्वायर ब्रैकेट, फिर इसके बाद प्लस सी मैट्रिक्स लिखें डियर स्टूडेंट, सी मैट्रिक्स है 1, 0, 5, 3 है। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को लिया है डियर स्टूडेंट, यानी लेफ्ट हैंड साइड मींस डियर स्टूडेंट ए प्लस बी प्लस सी को हम पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले मैथमेटिक का उसूल है डियर स्टूडेंट्स ब्रैकेट वालों को पहले सॉल्व किया जाता है। तो ब्रैकेट वालों को पहले इनको हम ऐड करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास अब एक मैट्रिक्स में आ गया 2 + 3 हमारे पास 5 आएगा, 3 + 1 हमारे पास 4 आएगा, 4 + 1 हमारे पास 5 आएगा, 5 + 2 हमारे पास 7 आ जाएगा, 7 आएगा। इस तरह ये ब्रैकेट खत्म हो गई। अब इस मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 5 आएगा और 3 आएगा। डियर स्टूडेंट्स इनको जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, इनको ऐड करते तो 5 + 1 = 6, 4 + 0 = 4, 5 + 5 = 10, 7 + 3 = 10। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। कौन सी इक्वेशन आ गई, हमने किया कि हमारे पास आ गई कि ए
प्लस बी इंटू प्लस सी इज इक्वल टू। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यही आ गया 6, 4, 10, 1। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। डियर स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, हमारे पास है ए प्लस इंटू बी प्लस सी। डियर स्टूडेंट्स पहले हम बी प्लस सी को सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद आ जाइए देखते हैं कि ए हमारे पास ए मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है 2, 3, 4, 5, फिर प्लस आ गया। अब ये ब्रैकेट है तो डियर स्टूडेंट बड़ा ब्रैकेट लगाए और आप इसके अंदर मैट्रिक्स लिखें। बी मैट्रिक्स 3, 1, 1, 2, फिर एडिशन है दरमियान में ये वाली 8, फिर सी मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट सी मैट्रिक्स 1, 0, 5, 3, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। डियर स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्या आता है इसमें, देखिए डियर स्टूडेंट्स कि 2, 3, 4, 5, ये एक मैट्रिक्स अपनी जगह पर लिखा प्लस, आप इन दोनों को ऐड करें 3 + 1 डियर स्टूडेंट्स 4, 1 + 0 1, 1 + 5 6, 2 + 3 5, ये आ गया। अब इन दोनों को अगेन हम ऐड करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स क्या आता है, देखें यहाँ पे 2 + 4 6 आ गया, इसके बाद 3 + 4 3 + 1 4 आ गया, 4 + 6 10 आ गया, 5 + 5 10 आ गया। डियर स्टूडेंट्स ये इक्वेशन 2 का नाम देंगे क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड है ए प्लस इंटू बी प्लस सी। डियर स्टूडेंट्स देखें इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करवाएं तो इनका राइट हैंड साइड जो है वो वहां पर भी 6, 4, 10, 10 है, 6, 4, 10, 10 है। तो डियर स्टूडेंट्स हमें ये रिजल्ट मिल रहा है कि इनके राइट हैंड साइड एक जैसे हैं, तो हम कंपेयर करवाएंगे तो हमें रिजल्ट मिल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस इंटू बी प्लस सी, ये इसके बराबर है। तो ये होल्ड कर रहा है डियर स्टूडेंट्स एसोसिएटिव लॉ ऑफ अ मैट्रिक्स, इसको हम एसोसिएटिव लॉ ऑफ अ मैट्रिक्स कहेंगे। अगर 3 मैट्रिक्स इस तरीके से एडिशन करने से हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ अ मैट्रिक्स कहलाता है और एसोसिएटिव लॉ ये 3 मैट्रिक्स होल्ड कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और हम अच्छा डियर स्टूडेंट्स अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं जो कि है हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑफ अ मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट्स एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स ये क्या है। डियर स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ए है एंड एक मैट्रिक्स हमारे पास बी है, इन दोनों को हम ऐड करते हैं। जब ऐड करते हैं तो हमारे पास ए मैट्रिक्स आ जाए। मिसाल के तौर पर डियर स्टूडेंट्स एक मैट्रिक्स 1, 2, 3, 4 है और एक मैट्रिक्स बी है हमारे पास 0, 0, 0, 0। डियर स्टूडेंट्स अब हम कहेंगे कि ए प्लस बी करने से हमारे पास ए प्लस बी इनको सोल्व करने से हमारे पास वही अगेन ए आ जाए, यानी पहली मैट्रिक्स आ जाए। ए प्लस बी करने से अगेन वही पहली मैट्रिक्स हमारा आंसर आ जाए तो हम कहेंगे कि जो ए बी जो है वो एडिटिव इनवर्स एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ बी मैट्रिसेस ए मैट्रिसेस की एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएंगे। हम क्या लिखेंगे, बी इज कॉल्ड एडिटिव एडिटिव आइडेंटिटी आइडेंटिटी ऑफ ऑफ ए मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स समझ में आया होगा कि एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं। 2 मैट्रिसेस हो जिनका सेम ऑर्डर होना लाजमी है, 2 इस तरह हम ऐड करते हैं, जब हम ऐड करते हैं तो उनको अगेन पहले वाला मैट्रिसेस ही आता है तो हम कहेंगे बी मैट्रिक्स जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है ए मैट्रिक्स के। तो हम इस तरह कहते हैं बी इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट्स अब आइए ये प्रूफ भी करते हैं किस तरीके से करते हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स ए हमारे पास 1, 2, 3, 4 है,
देन प्लस लिखेंगे, फिर हमारे पास भी जीरो 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 एंड जीरो एंट्री से। तो डियर स्टूडेंट्स ऐड करें हमारे पास क्या आता है, वन प्लस जीरो वन, टू प्लस जीरो टू, थ्री प्लस जीरो थ्री, फोर प्लस जीरो फोर। तो डियर स्टूडेंट्स आपको लग रहा है कि ए प्लस बी करने से हमारे पास क्या आ रहा है, तो ए प्लस बी करने से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो आ गया है वो क्या है, ये वन टू थ्री फोर, मतलब वन टू थ्री फोर वही अगेन मैट्रिसेस आ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ए प्लस बी इज इक्वल टू ए के बराबर है, तो हम इसको कहेंगे कि ये एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिसेस की जाती है। समझ में आ रहा है, उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। और हमारा एक ही टॉपिक बचता है, आप वो है एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। जो हमारा लास्ट टॉपिक है थ्योरी का वो यही है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस। डियर स्टूडेंट्स एडिटिव इनवर्स ऑफ अ मैट्रिसेस का मतलब यही होता है कि दो स्क्वायर मैट्रिसेस हों, अगर हम उनको ऐड करें तो उनका रिजल्टेंट यानी एडिशन से जो रिजल्ट आता है वो नल मैट्रिसेस आ जाए। तो हम कहेंगे ये दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे, ये दोनों मैट्रिसेस एडिटिव इनवर्स मैट्रिसेस कहलाएंगे। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं ये के किस तरीके से होते हैं। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक मैट्रिसेस ए है, एक मैट्रिक्स हमारे पास बी है, फर्ज करें हमारे पास एक ए मैट्रिक्स है, वन टू थ्री फोर, एंड हमारे पास एक मैट्रिक्स बी है डियर स्टूडेंट्स, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर। डियर स्टूडेंट्स ये दोनों मैट्रिक्स हम ऐड करते हैं यानी कुछ इस तरह, ए प्लस बी करने से हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो नल मैट्रिसेस आना चाहिए यानी जीरो आना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम बी प्लस ए करते हैं अगेन हमारे पास रिजल्ट नल मैट्रिसेस आना चाहिए यानी ओ मैट्रिसेस कहते हैं नल मैट्रिसेस आएगा। तो हम कहेंगे डियर स्टूडेंट्स इस तरह, अब अगर इस तरह आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस एडिटिव इनवर्स मैट्रिसेस है। तो आइए सॉल्व करते हैं, तो इधर लिखें बेटा बी प्लस ए। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ए प्लस बी चेक करते हैं, तो एक ए प्लस बी का मतलब पहले ए वाली एंट्रीज लिखे बेटा, एंड देन प्लस सेकंड एंट्रीज डियर स्टूडेंट्स माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड माइनस फोर है, इनको ऐड करें तो डियर स्टूडेंट्स देखिए वन माइनस वन, टू माइनस टू, थ्री माइनस थ्री, फोर माइनस फोर। डियर स्टूडेंट्स इनको मजीद सिंप्लीफाई करें तो वन माइनस वन जीरो, टू माइनस टू जीरो, थ्री माइनस थ्री जीरो, फोर माइनस फोर जीरो। तो डियर स्टूडेंट्स ए प्लस बी करने से हमारे पास जीरो आ गया, ठीक हो गया इक्वेशन वन का नाम दे। अब हम चेक करते हैं कि बी प्लस ए भी क्या जीरो आता है कि नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, बी प्लस ए करेंगे, बी वाले जो एलिमेंट्स हैं डियर स्टूडेंट मैट्रिक्स लिखे वन टू थ्री फोर प्लस ए वाले, अच्छा बी वाले माइनस के से माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर है, और ए वाले हमारे पास वन टू थ्री फोर। तो डियर स्टूडेंट्स इनको ऐड करें तो क्या आता है, देखें इन दोनों को ऐड करें तो माइनस वन प्लस वन, माइनस टू प्लस टू, माइनस थ्री इसका करस्पोंडेंट एलिमेंट्स प्लस थ्री, माइनस फोर इसका करस्पोंडेंट एलिमेंट्स प्लस फोर। डियर स्टूडेंट्स इसको सोल्व करें तो हमारे पास क्या आता है, देखें जीरो आ गया, टू माइनस टू जीरो, थ्री माइनस थ्री जीरो, फोर माइनस फोर जीरो। तो डियर स्टूडेंट्स इसका नाम इक्वेशन टू। स्टूडेंट्स इक्वेशन वन और इक्वेशन वन को टू को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, राइट हैंड साइड दोनों का सिमिलर है, तो बी प्लस इज इक्वल टू जीरो इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो डियर स्टूडेंट्स ये दोनों मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी ये दोनों मैट्रिसेस फुलफिल कर रही हैं यही कंडीशंस को, यानी दोनों को हम ऐड करते हैं तो नल मैट्रिसेस आता है यानी जीरो मैट्रिसेस आता है बेटा। तो डियर स्टूडेंट्स हम कहेंगे ए और बी एडिटिव इनवर्स है। तो डियर स्टूडेंट्स समझ में आया होगा, अब मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। डियर स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.3 हमने पूरा जो थ्योरी था वो हमने पढ़ लिया, अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन नंबर वन, एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन रीड करते हैं।
Which of the following matrices are come from able for additions? Dear students, A से लेकर F तक matrices दी गई हैं और हमसे पूछा है कि कौन कौन से matrices आपस में additions हो सकते हैं। हमने पढ़ा था dear students, ऐसे matrices addition हो सकते हैं जिनका order same हो, यानी same order का जो भी matrices हैं वो आपस में addition हो सकते हैं। तो आइए solve करते हैं। matrix A हमारे पास given है, A is equal to 2, 1, minus 3, 3, A की। अब A के साथ और कौन सा matrix, यानी इधर जो given matrices है इनमें से कौन सा आगे 8 हो सकता है? B 8 नहीं होगा, क्यों? इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम नहीं है डियर स्टूडेंट्स। इसके बाद सी मैट्रिसेस ए के साथ एड नहीं हो सकता है क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। अब डी मैट्रिसेस अगेन ए के साथ एड नहीं हो सकता है क्योंकि इसका भी ऑर्डर इसके ऑर्डर के सेम नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ई जो मैट्रिक्स है ये इसका ऑर्डर 2x2 और ए का मैट्रिक्स a/2 है, यानी 2x2 है। तो हम कह सकते हैं कि मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ई क्या है, ये पॉसिबल है एडिशन, यानी ई मैट्रिक्स। लिखे इधर -1, 1, 0, 2, ये इनका ऑर्डर सेम है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने सॉल्यूशन नहीं करनी है, सिर्फ हमने बताना है कि ये कौन कौन से एट हो सकते हैं। हमने थ्योरी में एडिशन भी पढ़ा है, सब्ट्रैक्शन भी पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है, उसी मेथड से अब उनका हम रिविजन करना है कर रहे हैं कि देखें जिनका ऑर्डर सेम है वो मैट्रिक्स एडिशन होगी। अब बी यानी 2x1 इसका ऑर्डर है, 2 रो है 1 कॉलम है, तो इसी तरीके से इसके भी 2 रो से और 1 कॉलम से। तो डी मैट्रिक्स और ए मैट्रिक्स, यानी ए और बी ई मैट्रिक्स, ये ऐड हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात यही है कि मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स डी, मैट्रिक्स डी और मैट्रिक्स डी और बी, ये दोनों एडिशन पॉसिबल है एडिशंस, क्योंकि ये दो इनका ऑर्डर सेम है इस वजह से। इसी तरीके से ये देखें, ये भी 3x3 का और ये भी 3x3 का है, तो मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स एफ जो है वो ये दोनों भी एडिशंस पॉसिबल है, तो इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन यानी ई सी मैट्रिक्स एंड एफ मैट्रिक्स ये एट हो सकते हैं। हमने यही बताना था कि कौन से एट हो रहे हैं, तो हमने बता दिया है कि मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ई के साथ एडिशन पॉसिबल है, यानी कंफर्टेबल है, कंफर्मेबल है, ये इसके साथ होगा, कंफर्म बात है। मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स डी के साथ एट होगा, ये भी कंफर्म बात है। मैट्रिक्स सी जो है वो मैट्रिक्स एफ के साथ एट होगा। बाकी जिनका ऑर्डर सेम नहीं होता है वो कभी एडिशंस नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या है, रीड करते हैं। फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। डियर स्टूडेंट्स, ए से लेकर एफ तक कुछ मैट्रिसेस हमें गिवन दी गई हैं और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करें। डियर स्टूडेंट्स, हर मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स, ए का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, बी अलग मैट्रिक्स से इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, सी एक अलग मैट्रिक्स से डियर स्टूडेंट्स इसका अलग से फाइंड एडिटिव इनवर्स मालूम करें। सिमिलरली इसी तरीके से इन सारों के हमने 1x1 एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको थ्योरी में भी पढ़ा है, मैं सिर्फ 2 पार्ट सॉल्व करूंगा, बाकी वो आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स एडिटिव इनवर्स फिर एक दफा रिकॉल करते हैं जो थ्योरी में हमने पढ़ा था। एडिटिव इनवर्स किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम अंदर साइन चेंज करते हैं, करने से एडिटिव इनवर्स बनते हैं, एंट्रीज के साइन चेंज करने, सिंपल बात ये। दूसरी बात ये है कि हम इस तरह भी समझते हैं कि ये जो मैट्रिसेस के साथ कौन सा ऐसा मैट्रिसेस जो लाए इनके साथ ऐड करें जिसके नतीजे में हमारे पास ये 0 आता है, यानी नल मैट्रिक्स आ जाए, उसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं। सोल्यूशन करते हैं, डियर स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। सोल्यूशंस, अब ए मैट्रिक्स यही है डियर स्टूडेंट्स, 2, 4, -2, 1 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो ए का एडिटिव इनवर्स डियर स्टूडेंट्स -a होता है, ठीक है कि नहीं है? तो आप इसके क्या करें, हम इसके साइन चेंज करें, a इज इक्वल टू -2, -4। अब देखिए यहाँ +2 था, एडिटिव इनवर्स एंट्रीज के साइन चेंज करते हैं,
तो माइनस फोर आएगा, लिख दिया, माइनस टू था तो प्लस टू आएगा, प्लस वन है तो माइनस वन आएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स यही कहलाता है। हमने शुरू बताना है कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या आता है, यही आता है। अगर ये मैट्रिक्स और इसका एडिटिव इनवर्स हम आपस में ऐड करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर आता है वो जीरो आता है। जीरो मतलब नल मैट्रिक्स आता है। तो इस किस्म के मैट्रिक्स को हम एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स कहेंगे। यानी ये दोनों मैट्रिक्स जो है वो इसका एडिटिव इनवर्स यही है। ये दो मैट्रिक्स लाके अगर हम ऐड करेंगे, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक मैट्रिक्स, इसका नाम चलो ये जो आ गया इसका नाम हमने बी रखा। डियर स्टूडेंट्स, ए प्लस बी करने से हमारे पास हमेशा नल मैट्रिक्स आ जाता है। तो एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट यही था, लेकिन हमने ये प्रूफ नहीं करना है। डियर स्टूडेंट्स, हमने सिर्फ यही बताना है कि इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स यही है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सोल्यूशन करें कि बी का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। जो बी मैट्रिक्स है इसकी एंट्रीज के साइन चेंज करें, कैसे, वो प्लस वन है तो माइनस वन करें, जीरो है तो जीरो ही रहने दें, इसके बाद माइनस वन है तो प्लस वन कर दें, प्लस टू है तो माइनस टू कर दें, साइन चेंज कर लिए, माइनस वन है तो प्लस वन, प्लस थ्री है तो माइनस थ्री, प्लस थ्री है तो माइनस थ्री, माइनस टू है तो प्लस टू, प्लस वन है तो माइनस वन। डियर स्टूडेंट्स, ये इसका एडिटिव इनवर्स कहलाएगा, ये आंसर है। बी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स यही कहलाएगा। डियर स्टूडेंट्स, सी आपने खुद करने हैं, डी भी आपके लिए होमवर्क है, इस ई भी आपके लिए होमवर्क है, लेकिन ये जो एफ मैट्रिक्स है ये मैं आपको वो करवा देता हूँ। एफ मैट्रिक्स के इसका एडिटिव इनवर्स कैसे होता है, डियर स्टूडेंट्स देखिए, यानी एफ मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होता है, डियर स्टूडेंट्स इनका अलामतें चेंज करें, स्क्वायर रूट ऑफ थ्री प्लस में है तो डियर स्टूडेंट्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ थ्री लिखिए, एंट्रीज के साइन चेंज होंगे। अब प्लस वन है तो माइनस वन आएगा, इसी तरीके से माइनस वन है तो प्लस वन लिखे डियर स्टूडेंट्स, फिर स्क्वायर रूट ऑफ टू प्लस में है तो डियर स्टूडेंट माइनस स्क्वायर रूट ऑफ टू। तो इसका यानी मैट्रिक्स एफ का एडिटिव इनवर्स यही कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, लंबी चौड़ी बातें नहीं है, यहाँ पे हमने एडिटिव इनवर्स को सिर्फ क्या करना है, उसी ही मैट्रिक्स के एंट्रीज के साइन चेंज करना है और कहना है कि ये एडिटिव इनवर्स है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ हम पढ़ने जा रहे हैं, वो यही है कि स्टूडेंट्स देखें कि इफ अगर ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस एंड डी इज इक्वल टू दिस, अगर ये मैट्रिक्स हैं तो हमने फाइंड करने ही उसने नाइन पार्ट हमसे पूछे। फर्स्ट पार्ट है ए प्लस दिस मैट्रिक्स, फिर सेकंड पार्ट पूछा है कि आप बी प्लस दिस मैट्रिक्स, फिर थर्ड पार्ट पूछा है सी प्लस दिस मैट्रिक्स, डी प्लस दिस मैट्रिक्स, टू इन टू ए यानी टू मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स मैट्रिक्स ए के साथ, फिर इसके बाद माइनस वन मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स बी के साथ, फिर माइनस टू पार्ट ए सेवन में कह रहा है कि माइनस टू मैट्रिक्स बी के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर पार्ट एट थ्री इंटू डी यानी थ्री मैट्रिक्स डी के साथ एक रियल नंबर है जो कि तीन है मल्टीप्लाई करें, और क्वेश्चन नंबर नाइन में थ्री रियल नंबर है सी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पार्ट आपने देखा होगा कि थ्योरी में हम सब इनके कॉन्सेप्ट हमने थ्योरी में पढ़ लिए थे, यानी ए प्लस ये भी मैट्रिक्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, ए गिवन है, हमने इन दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। इसी तरीके से सिमिलरली बी गिवन है ना कि ऐड करना है, सी भी गिवन है ऐड करना है, डी भी गिवन है ऐड करना है। यहाँ पे एक तो एडिशन वाले टर्म चलते हैं, दूसरा मल्टीप्लाई कोई रियल नंबर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से मैं एक पार्ट करता हूँ, बाकी वो आप करें एडिशन वाले। इस तरीके से एक मैं मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट कर देता हूँ, बाकी ये सब आपने होमवर्क करने हैं, बहुत ही इजी है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखने का मतलब यही है कि आप सेटिस्फाई हो जाए कि ये जो आपने पार्ट है वो आपने किस तरीके से करने हैं। मैं ब्रीफ मैंने आपको की है कि आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, लेकिन मैं दो पार्ट में से करूँगा जरूर। इजी है, बहुत इजी। डियर स्टूडेंट्स देखिए, हम सोल्यूशन करते हैं कौन सा क्वेश्चन पार्ट, यानी पार्ट वन। उसने हमें ये दिया है कि फाइंड करें ए प्लस वन 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 वन, एक इस तरह का मैट्रिक्स दिया गया है ए प्लस वन। तो डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू, ए हमारे पास गिवन है, ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, तो डियर स्टूडेंट्स ए की जगह मैट्रिक्स माइनस वन टू टू वन प्लस अपनी जगह पे डियर स्टूडेंट्स, और इसके बाद ये मैट्रिक्स लिखे डियर स्टूडेंट्स
1, 1, 1, 1. अब सिंप्लीफाई करें, एडिशन तो आपको करना आता है। डियर स्टूडेंट्स किस तरीके से करते हैं कि फर्स्ट एंट्री के वाले इसके करस्पोंडिंग एंट्री के साथ ऐड होगा, तो हम करेंगे एडिशंस माइनस वन प्लस वन, फिर टू प्लस वन, ये टू इसके साथ ऐड होगा, फिर टू ये टू इस वन के साथ प्लस ऐड होगा, मिड में ऐड 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, तो ये एड करें डियर स्टूडेंट क्या आता है, 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस का 1 0, 0 आ रहा है, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 2, ये आंसर आ रहा है। देखो स्टूडेंट कितना इजी है, कितना इजी ये सॉल्यूशन, ये हमें गिवन दिया, ये हमने सिंपल एडिशन करना है, तो हम एडिशन करते हैं, ठीक है कि नहीं, ये हमारा आंसर आता है। सिमिलरली इसी तरीके से आपने ये भी इसी तरह करना है, दूसरा पार्ट भी, तीसरा पार्ट, पार्ट फोर तक इसी तरह करना है। मिसाल के तौर पर डी है, डियर स्टूडेंट्स डी आपको गिवन दिया है, लाइक इसके साथ वही करस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड करना है और आंसर लिख देना है। अब मैं आता हूं कि पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5, डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 5 उसने कहा कि 2 into a, डियर स्टूडेंट्स 2 तो हमारा एक रियल नंबर है, into मैट्रिक्स a हमारे पास गिवन है। डियर स्टूडेंट्स देखिए a क्या है हमारे पास, माइनस वन टू टू वन, ये हमारे पास गिवन है, माइनस वन टू टू वन, डियर स्टूडेंट्स ये गिवन है। हमने हमने पढ़ा था थ्योरी में पढ़ा था कि जब कोई भी मैट्रिक्स के साथ रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो ये रियल नंबर तमाम एंट्रीज के साथ वन बाय वन मल्टीप्लाई होगा, वन बाय वन तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम इस तरह लिख सकते हैं। तो अब क्या है देखें, इधर ये टू इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, टू मल्टीप्लाई बाय माइनस वन, माइनस वन टू मल्टीप्लाई बाय टू, टू मल्टीप्लाई बाय टू, मल्टीप्लाई बाय टू, टू मल्टीप्लाई बाय वन। इसके बाद मजीद इसको सोल्व करें डियर स्टूडेंट्स, देखें टू वन जा टू माइनस टू, टू टू जा फोर, टू टू जा फोर, टू वन जा टू, डियर स्टूडेंट्स ये इसका आंसर है। देखो कितना इजी है, कितना सिंपल था। इसी तरीके से माइनस वन वाला, तो डियर स्टूडेंट्स माइनस वन है तो माइनस वन मल्टीप्लाई होगा, अब माइनस वन मल्टीप्लाई बाय बी की एंट्रीज के साथ माइनस वन मल्टीप्लाई होगा, तो ये इसी तरीके से बाकी मैं आपको सारे 9 तक होमवर्क देता हूँ, आप खुद प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं, आपको स्क्रीन में भी नज़र आ रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास 6 पार्ट है, उनमें से मैं आपको 2 करवा देता हूँ, बाकी सिमिलर है सारे जैसे हैं, आपने खुद करनी है। तो देखें, परफॉर्म इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, यानी परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने इनको इन ऑपरेशंस को क्या करना है, ये मैट्रिसेस को देखें, इनको हमने सोल्व करने हैं, तो ये भी एडिशंस ही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है पहले जो ब्रैकेट्स में होंगे उनको सोल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट 1 सोल्व कर देता हूँ, देखो किस तरीके से होगा। पार्ट 1 सॉल्यूशंस, डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन इस तरह लिखे लिखते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट वालों को सोल्व करते हैं, 1 0 0 1 प्लस 0 2 3 0, देन ब्रैकेट क्लोज, प्लस फिर मैट्रिक्स 1 1 1 0। डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम ब्रैकेट वालों को सोल्व करेंगे तो 1 प्लस 0, डियर स्टूडेंट्स 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 2 2, 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 0 1, ये 2 सोल्व हो गए, तो दरमियान में प्लस ये वाले, अब ये मैट्रिक्स लिखेंगे हम 1 1 1 0। डियर स्टूडेंट्स इनको अगेन हम ऐड करेंगे, ऐड करने से क्या आएगा, 1 प्लस 1 2, करस्पोंडेंट्स एलिमेंट्स को हमने ऐड करना है, 1 1 के साथ होगा 2, 1 के साथ 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4,
1 + 0 1। डियर स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन हमारे पास यही आई है, ये हमारा आंसर कहलाता है। सिमिलरली इसी तरीके से पार्ट नंबर फोर में आपको करवा देता हूँ, तो इसको मैं सोल्व यहाँ पे ही कर देता हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स इन दोनों को सोल्व करें हम अब, यानी ये मैट्रिक्स है दरमियान में एडिशन है, और ये 3x3 का एक मैट्रिक्स है, इसको ऐड किस तरीके से करते हैं वही है, सिंपल मेथड है, फिर मैं करवा देता हूँ आपको, आता है मुझे पता है क्योंकि हमने थ्योरी में ये सब कुछ पढ़े हैं। तो डियर स्टूडेंट्स करस्पोंडेंट एलिमेंट्स इसका 1 + 1 2 2 + 2 3 3 + 1 4 इसके बाद -1 + 2। तो डियर स्टूडेंट्स -1 + 2 है तो +1 आएगा, -1 + 2 1 -1 + 2 1। डियर स्टूडेंट्स 0 + 3 3 आ गया, 1 + 3 4 आ गया, 2 + 3 5 आ गया। डियर स्टूडेंट्स इनको सिंपल ऐड किया हमारे पास यही आंसर आ गया। अभी तक हमने कोई ऐसी मुश्किल काम की ही नहीं क्योंकि हमारे सिलेबस का हिस्सा था, हम पढ़ रहे हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स बाकी जो मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाई है वो 6 जो पार्ट्स हैं बाकी उनको आपने 4 आपने खुद करने हैं, इसी तरीके से सिंपल एडिशन ही है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये पूछ रहा है कि फॉर द मैट्रिसेस, मैट्रिसेस ए हमें गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, सी मैट्रिक्स बी गिवन है, तो हमसे वेरीफाई डेट के लिए पूछ रहा है, हमसे शो डेट कह रहा है कि फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है कि ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए। डियर स्टूडेंट ये कह रहा है कि ए प्लस सी करें फिर सी प्लस ए करें, हमारा पास इक्वल आना चाहिए एडिशन, ये एसोसिएट ये लॉस है जो हमने एसोसिएटिव लॉ भी पढ़ा था, हमने एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशंस ऑफ अ मैट्रिसेस, इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशंस ऑफ अ मैट्रिसेस, ये सारे यहाँ से याद है कि प्रॉपर्टीज इसकी प्रैक्टिस करवा रहा है, हमने थ्योरी में भी पढ़ा था, ये बहुत ईजी है। तो सबसे पहले ए प्लस बी फाइंड आउट करेंगे, इनमें से मैं सिर्फ दो ही पार्ट करवा देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, 10 पार्ट्स हैं, स्क्रीन में भी आपको नज़र आएगा, आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा होगा कि ये जो 10 पार्ट्स हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 के, इनमें सिर्फ हम 2 सॉल्व करेंगे, बाकी तमाम के तमाम इजी हैं, सेम मेथड से एडिशन करना है, सिर्फ एडिशन तो आपको आता है डियर स्टूडेंट्स। तो देखें हम स्टार्ट करते हैं पहला पार्ट हमारे पास सोल्यूशन, पहले पार्ट है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ए प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, तो हमने ये सोल्व करना है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ए की एंट्री एलिमेंट्स लिखे मैट्रिक्स ए के 1 2 3 2 3 1 1 - 1 0, देन एडिशन का साइन लगाए एड सी मैट्रिक्स -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। डियर स्टूडेंट्स ये देखें कितना इजी है, ये सिर्फ हमने ऐड ही करना है और कुछ नहीं करना, हम कर देते हैं ऐड फर्स्ट एंट्री इसके साथ ऐड, तो डियर स्टूडेंट्स 1 - 1 ये दरमियान में ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब 2 0 के साथ 2 + 0 3 + 0 3 + 0 इसके बाद 2 + 0 3 - 2 यानी प्लस कर सी 1 + 3 1 + 1 - 1 + 1 0 + 2। तो डियर स्टूडेंट्स आगे देखते हैं कि इसके बाद ऐड करें कि यानी ये लेफ्ट हैंड साइड ए प्लस सी है, तो 1 - 1 0 आ गया, 2 + 0 2 3 + 0 3 2 + 0 2 3 - 2 1 3 1 + 3 4 1 + 1 2 - 1 + 1 0 + 2 0। डियर स्टूडेंट्स ये 2 आ गया, 0 + 2 करने से 2 आ जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये इक्वेशंस 1 आ गई, देखें ए प्लस सी यानी लेफ्ट हैंड साइड का हमारा आंसर यही आ गया। अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड अब हम चेक करते हैं, राइट हैंड साइड हमारे पास
सी प्लस ए। डियर स्टूडेंट सी प्लस ए है तो यानी सी प्लस ए इज इक्वल टू पहले एलिमेंट्स लिखे, सी मैट्रिक्स लिखे डियर स्टूडेंट्स, माइनस वन जीरो जीरो जीरो, माइनस टू थ्री वन वन टू, दरमियान में प्लस है तो हमने प्लस लगाया। इसके बाद ए एंट्रीज ए मैट्रिक्स हमने लिखना है, ए मैट्रिक्स की एंट्रीज वन टू थ्री वन वन माइनस वन जीरो। अब इनका भी यही हुआ डियर स्टूडेंट्स, ये इसके साथ ऐड होगा तो क्या हो रहा है देखें, माइनस वन प्लस वन जीरो, जीरो प्लस टू टू, जीरो प्लस थ्री थ्री, जीरो प्लस टू टू, माइनस टू प्लस थ्री वन, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स माइनस टू है प्लस थ्री, यानी माइनस टू प्लस थ्री करने से हमारे पास वन आ जाता है। इसके बाद थ्री प्लस वन फोर, वन प्लस वन टू, वन माइनस वन जीरो, डियर स्टूडेंट्स प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो तो जीरो आ जाता है, टू प्लस जीरो टू, तो डियर स्टूडेंट्स की एडिशन हो गया, ये इक्वेशन टू कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स देखें ए प्लस सी हमारे पास यही आ रहा है और राइट हैंड साइड सी प्लस ए हमारे पास यही आ रहा है, तो डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन वन और इक्वेशन टू हमें यही बताता है कि देखें टू टू जीरो टू थ्री, यानी जीरो टू थ्री सेम, थ्री वन फोर सॉरी टू वन फोर, टू वन फोर सेम, टू जीरो टू, टू जीरो टू सेम। डियर स्टूडेंट्स इसके राइट हैंड साइड हम एडिशन करने से हमारे पास सेम आ गए, तो हम क्या लिख सकते हैं, तो हमने प्रूव किया हिंट्स यानी फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, ए प्लस सी करने से जो आंसर आ गया वो सी प्लस ए करने से भी आ गया, जो किसके बराबर है ये लिखें डियर स्टूडेंट्स, जीरो टू थ्री टू वन फोर टू जीरो टू, ये आ गया दोनों का सेम, तो हमने ये प्रूव किया डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया ये प्रूव किया। इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपने देखें ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए भी आपने खुद करने हैं, इसी मेथड से होगा इजी है। इस तरीके से तीसरा पार्ट बी प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, ये भी इसी तरीके से करना है डियर स्टूडेंट्स, समझ में आया होगा आपको। अब देखें ए प्लस इन टू बी प्लस ए, अब इसमें तीन टर्म्स आ गए, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम सोल्व करते हैं कि ब्रैकेट्स वालों को यानी बी प्लस ए वालों को करते हैं, इसके बाद देन हम ए ऐड करते हैं। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में देखें तो डियर स्टूडेंट्स टू है, ए है प्लस बी है, तो टू इन टू ए वाली मैट्रिक्स लिखेंगे, तो टू तमाम के साथ मल्टीप्लाई होगा एंट्री सीधा, प्लस फिर बी के साथ हम ऐड करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स इसका भी सेम ही आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम ये जो क्वेश्चन है वो इसी मेथड से सॉल्व होते हैं। तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, वो क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर फोर, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इसमें ब्रैकेट भी सॉल्व करने हैं, इस तरीके से कोई नंबर से मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो मैं पार्ट नंबर फोर करवा देता हूँ आपको, क्योंकि यहाँ में जो कॉन्सेप्ट है फोर है हमारे पास, ये है सोल्यूशन ए प्लस इन टू बी प्लस ए, बी प्लस ए इज इक्वल टू टू टाइम्स ए प्लस बी। डियर स्टूडेंट्स अब हमने ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेके आनी है राइट हैंड साइड के, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। देखें डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, ए, ए के एलिमेंट्स यही है डियर स्टूडेंट्स, हम ए लिखेंगे वन टू थ्री वन वन माइनस वन जीरो, इसके बाद प्लस ब्रैकेट, फिर बी वाले एलिमेंट्स लिखें बी वन माइनस वन वन टू माइनस टू टू थ्री वन थ्री, मिड में मिड प्लस है तो प्लस लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद ए वाले एंट्री लिखेंगे वन टू थ्री वन वन माइनस वन जीरो, ब्रैकेट क्लोज किया। डियर स्टूडेंट्स मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिए, तब लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ब्रैकेट वाले आपस में ऐड हो रहे हैं तो सबसे पहले इनको ऐड करें। डियर स्टूडेंट्स देखें ये इसको हमने इस तरीके से लिख दिया वन टू थ्री वन वन माइनस वन जीरो,
प्लस ये अब इनको आपस में ऐड करें डियर स्टूडेंट्स, इनको ऐड करें तो एक ही मेटर से 1 + 1 = 2 - 1 + 2 = 1। डियर स्टूडेंट्स माइनस 1 + 2 = 7 निकालें तो 1 आ जाता है। 1 + 3 = 4, 2 + 2 = 4, -2 + 3 = 1, 2 + 1 = 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, 1 - 1 = 0, 3 + 0 डियर स्टूडेंट्स 3 आ गया। देन इसके बाद अब इनको हमने ऐड करने हैं डियर स्टूडेंट्स, इनको ऐड हम किस तरीके से करते हैं वही मेथड है एडिशन करने का मेथड, तो इसको ऐड करें डियर स्टूडेंट्स किस तरीके से देखें। 1 + 2 + 3 = 2 + 1 = 3 + 4 = 7 2 + 4 = 6 3 + 1 = 4 1 + 3 = 4 1 + 3 = 4 1 + 4 = 5 - 1 - 0 - 1 = 3 ये स्टूडेंट्स ये 3 आ गया। इसको इक्वेशन 1 का नाम दें, क्यों डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड यानी ए प्लस इंटू बी प्लस ए हमारे पास यही आ गया। अब हम राइट हैंड साइड को लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है 2a + b है। डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने 2 लगाना है, फिर ए की एंट्रीज लिखनी है, ए की एंट्रीज तो यही है 1 2 3 2 3 1 1 - 1 0, अब प्लस बी की एंट्रीज डियर स्टूडेंट्स बी की एंट्रीज बी मैट्रिक्स लिखे 1 - 2 1 2 - 2 + 2 3 1 3। डियर स्टूडेंट्स देखिए अब सबसे पहले क्या हुआ, ये 2 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हम कर देते हैं 2 × 1, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये 2 तमाम एंट्रीज के साथ, पहले इसके साथ फिर इसके साथ फिर इसके साथ, अंदर एवरी वन एंट्रीज के साथ ये मल्टीप्लाई होगा, तो हम देखते हैं कि 2 × 1 = 2 2 × 2 = 4 2 × 3 = 6 2 × 4 2 × 3 = 6 2 × 1 = 2। डियर स्टूडेंट्स देखें ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, अब 2 × 1 के साथ 2 × 1 = 2 2 × 1 = 2, -2 आएगा क्योंकि -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब 2 × 0 = 0। डियर स्टूडेंट्स ये तो आ गया प्लस, हमारे पास फिर ये वाला मैट्रिक्स है 1 1 - 1 1 2 - 2 + 2 3 1 3। डियर स्टूडेंट्स ये 2 मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरे पास ये आ गया प्लस, मैंने अपनी जगह पर लिखा ये वाली मैट्रिक्स मैंने अपनी जगह लिया। डियर स्टूडेंट्स ये अगेन आपस में ये दोनों एडिशन होंगे, एडिशन होंगे तो क्या आएगा देखें इधर, ये क्या आएगा एडिशन होंगे तो, जब एडिशन होंगे तो हमारे पास क्या आएगा यानी 8 होंगे तो हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स देखें 2 + 1 = 3 आ गया, 4 - 1 = 4 7 निकाले डियर स्टूडेंट्स 3 आता है, 6 + 1 = 7 आ गया मैट्रिक्स 1, 4 + 2 = 6 आ गया डियर स्टूडेंट्स, 6 - 2 या 6 में से 2 निकाले तो 4 आता है, 4 आ गया, 2 + 2 = 4, अब 2 + 3 = 5, -2 + 1 - 1 आ गया डियर स्टूडेंट्स, 0 + 3 = 3 आ रहा है, तो इसका नाम इक्वेशंस 2 का नाम देंगे डियर स्टूडेंट्स। ये राइट हैंड साइड क्या है 2a + b = 3 3 7 6 4 4 5 - 1 - +3। ये स्टूडेंट्स ये देखते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास दोनों ही सेम आती है, तो हम कह सकते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड साइड का भी आंसर यही आ रहा है, उसका राइट हैंड साइड का आंसर भी यही आ रहा है, तो हम हिंट्स करके कहेंगे कि ये प्रूफ है यानी ये इसके बराबर आ रहा है,
डियर स्टूडेंट्स, ये भी सिंपल एडिशन ही था, मुझे उम्मीद थी कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अच्छी तरीके से आपने प्रैक्टिस बाकी इनकी सबकी करनी है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको दो पार्ट्स करवाए हैं, इनके 10 पार्ट्स हैं, बाकी वो सारे इसी तरीके से एडिशन हो रहे हैं। और अगर सब्ट्रैक्शन हो रहे हैं तो डियर स्टूडेंट्स आपको सब्ट्रैक्शन भी करना आता है, जिस तरीके से हम ऐड करते हैं इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 आइए हम सॉल्व करते हैं कि इफ ए मैट्रिक्स इज एंड बी मैट्रिक्स इज गिवन, ए और बी मैट्रिक्स हमें गिवन दिया गया है, देन हमने फाइंड करना है 3a-2b। एक ये पार्ट दिया है और सेकंड पार्ट वो कह रहा है कि 2a transpose - 3b transpose। जो स्टूडेंट्स हमसे दो पार्ट पूछे गए हैं, हमें गिवन बताया है कि दो मैट्रिक्स दी गई हैं, आप हमने अब ये फाइंड करना है एक पार्ट और दूसरा पार्ट यही है। तो डियर स्टूडेंट्स आइए, ये इम्पोर्टेंट भी है, इनको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशंस पार्ट वन सोल्व करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स पार्ट वन है 3a-2b, बहुत इजी है डियर स्टूडेंट्स। अब 3 लिखे, अब बी का बी हमारे पास गिवन है डियर स्टूडेंट्स, बी क्या है 1, मैट्रिक्स ए क्या है 1, -2, 3 एंड 4, देन दरमियान में माइनस का साइन, फिर अगेन 2 इंटू डियर स्टूडेंट्स बी क्या है हमारे पास 0, 7, -3 और 8, हमारे पास ये मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये मैट्रिक्स है। तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये 3 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है, तो डियर स्टूडेंट ये 3 हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो हम लिख सकते हैं कि 3 1 3, 3 2 6 - 6, 3 3 9, 3 4 12, ये स्टूडेंट्स माइनस, अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, 2 हर एंट्री के साथ होगा, 2 0 0, 2 7 14, 2 3 6, माइनस का 6 क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 2 8 16। डियर स्टूडेंट्स ये भी हो गए, अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स देखें, सब्ट्रैक्ट 3 - 0, यानी ये इसके साथ माइनस होगा। अब -6, ये वाला -14 होगा, -6 - 14, 9 - ये -6 है डियर स्टूडेंट्स, अब 12 - 16, 12 - 16। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए इससे आगे क्या होता है कि 3 3 - 0 करने से 3 आ जाता है, -6 - 14, डियर स्टूडेंट्स -, प्लस होंगे, ये 20 आएगा, माइनस का 20, इसी तरीके से 9 - प्लस, डियर स्टूडेंट्स प्लस आएगा, 9 + 6 = 14, और इसके बाद 12 - 6, यानी 12 - 16 करने से -4 आएगा। डियर स्टूडेंट्स -16 में से 12 को माइनस करें, 6 में से 2 निकालें, 4 आ गया, 1 में से 1 0 आ गया, स्टूडेंट्स माइनस की अलामत बढ़ी है, तो इसी तरीके -14 आ जाता है। मैंने आपको समझा, आप देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं, 9 - - +6, डियर स्टूडेंट्स 9 + 6 करने से हमारे पास 14 आता है, तो मैंने ये 14 इस वजह से लिखा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर होगा, किस चीज़ का आंसर होगा, हमने क्या मालूम करना था, 3a-2b जब हम करते हैं तो हमारे पास यही आंसर आता है, ये हमारा आंसर है। अब मूव करते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 करते हैं, पार्ट नंबर 2 में क्या पूछा है कि 2a transpose - 3b transpose, आइए सॉल्यूशन करते हैं। ये स्टूडेंट्स 2a whole transpose - 3b whole transpose, तो डियर स्टूडेंट्स देखें 2 और हम ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 1, -2, 3, 4, दरमियान में माइनस है, 3 into होल ट्रांसपोज भी, इसके ऊपर ट्रांसपोज भी लगाइए टी बी, इस तरीके से 3 into b, 0, 7, -3, 8 होल ट्रांसपोज भी है। डियर स्टूडेंट्स ट्रांसपोज मैंने आपको पढ़ाया था लेक्चर्स में कि ट्रांसपोज जब हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, तो डियर स्टूडेंट 2 इस साइड पर आ गया, आप इसको ट्रांसपोज अप्लाई करें तो ये नंबर ऑफ रो है -1, 1, -2, ये नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट हो गया -1 और 1 और -2। अब इधर कैसे ये रो 2 था,
तो ये कॉलम टू में कन्वर्ट होगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसका मैंने ट्रांसपोज भी लिया, माइनस थ्री अगेन में इसका ट्रांसपोज हो तो 07 रो था ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया और ट्रांसपोज खत्म हो गया, माइनस 38 ये सेकंड रो था सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। देखिए ये माइनस 38 में इस तरीका ट्रांसपोज इधर से भी खत्म हो गया डियर स्टूडेंट्स, इधर से भी ट्रांसपोज खत्म हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि ये टू इसके साथ भी मल्टीप्लाई है और ये थ्री इनके साथ भी मल्टीप्लाई है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, टू वन जार टू, टू थ्री जार सिक्स, टू टू जार फोर, माइनस फोर डियर स्टूडेंट्स माइनस है इस वजह से, टू फोर जार एट, माइनस थ्री जीरो जार जीरो, थ्री थ्री जार माइनस नाइन, थ्री सेवन जार ट्वेंटी वन, थ्री एट जार ट्वेंटी फोर। डियर स्टूडेंट्स अगेन इनको माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखिए टू माइनस जीरो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास टू आंसर आता है, यानी 2 से 0 माइनस करें 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 9 करने से क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, 6 प्लस 9 करने से यानी कि 6 माइनस इनटू माइनस 9 है, करेस्पोंडेंट एलिमेंट यही है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। डियर स्टूडेंट्स देखिए 2 माइनस 0 देन 6 माइनस फिर इनटू माइनस 9 है डियर स्टूडेंट माइनस 9 देन माइनस 4 माइनस 21 एट माइनस 24 डियर स्टूडेंट्स इसके बाद देखें इसको आपस में क्या करेंगे एडिशन, इनको आपस में सॉल्व करेंगे, 2 माइनस 0 2 ही आएगा, 6 माइनस माइनस प्लस 6 प्लस 9 6 प्लस 9 माइनस फोर माइनस 21 डियर स्टूडेंट्स 8 होगा माइनस 25 आएगा, 8 माइनस 24 डियर स्टूडेंट्स माइनस 16 आएगा। इसको मजीद हम फर्दर आगे सॉल्व करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स क्या आता है देखें कि 2 6 प्लस 9 15 माइनस 25 माइनस 16 डियर स्टूडेंट्स ये जो 2 ए ट्रांसपोज माइनस 3 बी ट्रांसपोज इसका रिजल्ट यही आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा आंसर कहलाता है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करने जाते हैं। 7 सॉल्व करते हैं, इफ 2 इंटू ये मैट्रिक्स प्लस 3 इंटू ये मैट्रिक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में अगेन एक मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट्स, एक ये मैट्रिक्स मैट्रिक्स इक्वेशंस कहेंगे, इसको मैट्रिक्स इक्वेशंस कहेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये हमें एक इक्वेशन दी गई है और हमसे पूछ रहे हैं कि ए एंड बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो डियर स्टूडेंट्स आइए सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स देखें सबसे पहले ये 2 जो है वो इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 जो है वो इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में अगेन एक मैट्रिक्स है, चले हम पहले 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाइए सॉल्यूशन लिखते हैं डियर स्टूडेंट्स, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 3 जा माइनस 6 माइनस ये इधर 2 a जा 2 आ गया डियर स्टूडेंट्स प्लस हो गया, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 3 b जा 3 प्लस b सॉरी 3 भी आएगा डियर स्टूडेंट्स, 3 बी जा 3 बी एंड 3 8 जा 24 फिर 3 4 जा 12 माइनस 12 आ गया डियर स्टूडेंट्स। अब ये तो मल्टीप्लाई हो गया राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन, हम राइट हैंड साइड वाले जो मैट्रिक्स हैं एंट्रीज वो इसी तरह ही हम लिख देंगे। अब डियर स्टूडेंट्स देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में हमने 2 और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया है, अब हम इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे क्योंकि दरमियान में जो इलामत है जो साइन है डियर स्टूडेंट्स वो प्लस है, तो हम इनको आपस में सेम ऐड करेंगे वही मेथड के जरिए से ही, 4 प्लस 3 डियर स्टूडेंट 7 आ गया, 8 प्लस 3 भी 8 प्लस 3 भी आएगा डियर स्टूडेंट माइनस 6 प्लस 24 तो डियर स्टूडेंट्स माइनस 18 आएगा प्लस 18 आएगा इसका 2 ए माइनस 12 2a माइनस 12 आया डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड हमने ऐड कर दिया, अब राइट हैंड साइड में वही मैट्रिक्स है इसी तरीके से हम लिख देंगे डियर स्टूडेंट्स 81। डियर स्टूडेंट्स देखें
अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करवाएंगे। इस ये भी 2x2 ऑर्डर की है और ये भी 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑर्डर सेम है तो हम कंपेयर करवाएंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स का जो एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट एंट्री यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की पहली एंट्री करस्पोंडेंस इक्वल होगी डियर स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड की जो मैट्रिक्स के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की फर्स्ट एंट्री। डियर स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है, इसी सिमिलरली बाकी में भी यही सिस्टम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स 7 = 7 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें ए और बी की वैल्यू चाहिए, जहाँ ए और बी इन्वॉल्व होते हैं वो इक्वेशंस बनाएंगे। डियर स्टूडेंट 8 + 3b = 10 8 + 3b = 10 हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई डियर स्टूडेंट्स। अब 18 = 18 लिखने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट्स, इसमें कॉन्स्टेंट नंबर्स है क्योंकि हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो जहाँ पे ए और बी इन्वॉल्व है वहीं। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स 2a - 12 ये दूसरी इक्वेशन बनेगी, 2a - 12 = इसकी करस्पोंडेंट यही 1 के बराबर। डियर स्टूडेंट्स इसका नाम इक्वेशन 2। हमें दो वेरिएबल चाहिए डियर स्टूडेंट्स, दो इक्वेशन हमने निकाल ली, अब उनको फर्दर सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स देखिए कुछ, अब 3b = 10 यहाँ पे 8 प्लस था डियर स्टूडेंट, कॉन्स्टेंट नंबर था, राइट हैंड साइड पे जग गया माइनस 8 बन गया। डियर स्टूडेंट 3b = 10 में से 8 माइनस करें डियर स्टूडेंट्स 2 आता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब 3 यहाँ से ख़त्म करना है, तो डियर स्टूडेंट्स डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड करेंगे, तो डियर स्टूडेंट 3b / 3 = 2 / 3 3 1 3 3 1 3 तो डियर स्टूडेंट्स बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/3 आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास आ गई। डियर स्टूडेंट्स हम अब ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि हमने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो डियर स्टूडेंट्स देखें अब 2a इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, इट्स इक्वल टू 1 डियर स्टूडेंट्स माइनस 12 लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस 12 आएगा। अब 2a = 1 + 12 डियर स्टूडेंट्स 13 आएगा। अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है डियर स्टूडेंट्स, डिवाइडिंग 2 को ख़त्म कर ले, 2 ऑन बोथ साइड करेंगे डियर स्टूडेंट्स 2a / 2 = 13/2 डियर स्टूडेंट 2 और 2 कैंसिल हो गए तो हमारे पास a की जो वैल्यू आ गई वो 13/2 आ गई। तो डियर स्टूडेंट्स हमने क्या मालूम करना था, हमने a की वैल्यू मालूम करनी थी और b की वैल्यू मालूम करनी थी। हम लिख सकते हैं रिजल्ट जो है वो a = 13/2 एंड b = 2/3। डियर स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर रहा, ये हमारा आंसर। डियर स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी था और ये इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ये 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। डियर स्टूडेंट्स इस किस्म के क्वेश्चन पूछते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, 8 को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा, इफ ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, देन वेरीफाई दैट, हमने ये प्रूफ करना है डियर स्टूडेंट्स। पार्ट इसके 6 पार्ट हैं, 1 by 1 करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि पार्ट नंबर 1 में क्या करा है, a + b whole transpose। डियर स्टूडेंट्स अगर हम a + b करें और इनका होल ट्रांसपोज लें तो हमारे पास बराबर आएगा a transpose + b transpose के। डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हो गया कि पहले हम ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड साइड में, फिर बी ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे, फिर इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे। तो देखते हैं इनका जो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आ रहा है था वही आंसर राइट हैंड साइड का आ रहा है, हम कहेंगे ये प्रूफ है। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स कुछ पार्ट 2 भी इसी तरह है, बाकी हम जब आएंगे जाएंगे तो हम करते जाएंगे। पहले आते हैं पार्ट नंबर 1 प्रूफ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 में कह रहे हैं कि a + b whole transpose = होता है a transpose + b transpose के। डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखते हैं तो a + b है और होल ट्रांसपोज है। डियर स्टूडेंट्स पहले मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी का एडिशन करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने मालूम करना है। तो डियर स्टूडेंट्स a + b और ट्रांसपोज है, तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स देखें a + b मैट्रिक्स लेंगे। एक डियर स्टूडेंट्स ए क्या है, ये वाला मैट्रिक्स है, हम लिखेंगे 1 2 0 1 दरमियान में डियर स्टूडेंट्स प्लस है तो प्लस का साइन लगाएंगे। फिर इसके बाद बी मैट्रिक्स कौन सी है,
1 1 2 0। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस 1 डियर स्टूडेंट्स 2 2 प्लस 2 2 प्लस 1 डियर स्टूडेंट्स 3 आएगा, 0 प्लस 1 सॉरी 0 प्लस 2 2 1 प्लस 0 1। डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास a प्लस बी आ गया। डियर स्टूडेंट्स अब a प्लस बी का होल ट्रांसपोज लेंगे, तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स इसका भी ट्रांसपोज लेते हैं, 2 3 2 1, इसके ऊपर भी ट्रांसपोज लगाओ। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है ट्रांसपोज लगाने से, ट्रांसपोज अप्लाई करने से क्या होता है, ये नंबर ऑफ रो कॉलम्स में कन्वर्ट होंगे। तो ये क्या 2 3 यहाँ पर रो था, तो ये पहले फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया। देखिए डियर स्टूडेंट्स 2 3 हमने कॉलम में कन्वर्ट किया। सिमिलरली 2 1 को हम अगेन सेकंड रो था, सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया 2 1। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन 1 का नाम देंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ए प्लस बी होल ट्रांसपोज। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास 2 2 3 1 के बराबर आ गया। अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज क्या ये भी यही आता है, नहीं, अगर ये आता है तो हम प्रूफ कर चुके, अगर नहीं आता है तो नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए हम राइट हैंड साइड देखते हैं, राइट हैंड साइड में हमारे पास डियर स्टूडेंट देखिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज है। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, फिर बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, फिर उन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो देखें स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लिखते हैं मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए क्या है डियर स्टूडेंट्स देखिए 1 2 0 1 1 2 0 1, इसके ऊपर डियर स्टूडेंट्स क्या है ट्रांसपोज है, दरमियान में प्लस है। डियर स्टूडेंट्स बी मैट्रिक्स 1 1 2 0 1 1 2 0, अगेन ये एक मैट्रिक्स है, बी की जगह हमने पुट किया। डियर स्टूडेंट्स बी का होल ट्रांसपोज है तो हम होल ट्रांसपोज लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, अब सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स ट्रांसपोज अप्लाई होगा, अब ट्रांसपोज इस मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई होगा तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स 1 2, ये फर्स्ट रो था फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट होगा, 1 2 बनेगा, यानी 1 2 1 2, यानी ये रो था कॉलम में कन्वर्ट हो गया। इसी तरीके से 0 1 0 1, ये हो गया ट्रांसपोज खत्म हो गया, प्लस आ गया। अब इसमें भी ट्रांसपोज अप्लाई करते हैं, डियर स्टूडेंट्स क्या आता है 1 1, पहला रो था पहले कॉलम में कन्वर्ट हो गया, 1 1 लिखा। डियर स्टूडेंट्स 2 0, सेकंड रो था सेकंड कॉलम में कन्वर्ट किया ट्रांसपोज लेने से। डियर स्टूडेंट्स अब ये दोनों सिंपल ऐड होंगे क्योंकि ट्रांसपोज हमने अप्लाई किया, टी खत्म हो गया। अब ये क्या होता है डियर स्टूडेंट्स आगे देखें, तो अपन को ऐड करें तो 1 प्लस 1 2 आएगा, 0 प्लस 2 2 आएगा, 2 प्लस 1 3 1 प्लस 0 1। डियर स्टूडेंट्स ये हमने ऐड किया, ये ए का ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास उनसे क्या आ गया, यही आ गया। तो देखें स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में कंपेयर करवाया, 2 2 2 2 3 1 3 1। तो डियर स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज का भी आंसर वही आ रहा है और ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज का आंसर भी यही आ रहा है। हम क्या कहेंगे, हम हिंस, हम रिजल्ट लिखने वाले डियर स्टूडेंट्स हिंस, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, यानी दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल होता है डियर स्टूडेंट्स ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। इसकी इसको आप लिखें PROVED, आपने प्रूव कर दिया। डियर स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं, 2 देखें पार्ट नंबर 2 में भी वही कह रहा है। अब हमने सिर्फ माइनस करना है, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो डियर स्टूडेंट्स हम पार्ट नंबर 2 सोल्व करते हैं, देखिए पार्ट नंबर 2 में क्या कह रहा है, ए माइनस बी ट्रांसपोज बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। डियर स्टूडेंट्स सिमिलरली कुछ पार्ट 1 की तरह ही सिर्फ हमने माइनस करने होते हैं, तो इसी तरह ही करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स हम लेफ्ट हैंड साइड को सबसे पहले सोल्व करेंगे, तो ए माइनस बी होल ट्रांसपोज। डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ए माइनस बी करेंगे, मैट्रिक्स ए माइनस बी इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स ए लिखवा दें 1 2 0 1।
डियर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स वन यही ही हमने लिख दिया, दरमियान में माइनस है, माइनस लगा दिया। डियर स्टूडेंट मैट्रिक्स भी हमारे पास 1 1 2 0 है, 1 1 2 एंड 0। डियर स्टूडेंट्स एंट्रीज में लिख दिया, अपनी दोनों को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा डियर स्टूडेंट्स 1 माइनस 1 0 आएगा, 2 माइनस 1 1 आएगा, 1 माइनस 2 माइनस 2 आएगा डियर स्टूडेंट्स, 1 माइनस 0 1 आएगा। डियर स्टूडेंट्स ए माइनस बी करने से हमारे पास यही आएगा, हमें क्या चाहिए डियर स्टूडेंट्स, ए माइनस बी होल ट्रांसपोज चाहिए, तो हम टेकिंग टी आर ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, डियर स्टूडेंट्स एक साइड यही है एक साइड यही है, तो हम बोथ साइड में ट्रांसपोज लेंगे, तो क्या आएगा ए माइनस बी होल ट्रांसपोज, डियर स्टूडेंट्स इसके भी होल ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास आ गया 0 माइनस 2 1 1, इसके भी ट्रांसपोज। डियर स्टूडेंट ट्रांसपोज लेने का मतलब तो आपको पता है कि नंबर ऑफ रो को कॉलम में हम कन्वर्ट करते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स 0 और 1 पहला रो था पहला कॉलम में कन्वर्ट हो गया, -2 1 दूसरा रो था दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए ट्रांसपोज खत्म हो गया, ए माइनस बी हमारे पास यही आ गया इक्वेशन 1 का नाम भी। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स आप राइट हैंड साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड बराबर होता है डियर स्टूडेंट्स ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स ए है वो लिख देते हैं, मैट्रिक्स ए क्या है डियर स्टूडेंट, 1 है 2 है 0 है 1, और इसके बाद दरमियान में माइनस का साइन है डियर स्टूडेंट्स बी, इसके ऊपर टी भी है तो टी ट्रांसपोज लगाएंगे, माइनस बी ट्रांसपोज डियर स्टूडेंट्स बी क्या है हमारे पास 1 1 2 एंड 0, इसका भी हम ट्रांसपोज लगाएंगे। डियर स्टूडेंट्स देखें आप पहले ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, पहले ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो रो था कॉलम में कन्वर्ट हो गया, 1 2 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया डियर स्टूडेंट्स, एंड दरमियान में माइनस अपनी जगह पर आ गया देखें इधर, इसके बाद इसके भी ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई किया हमने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया, 1 1 पहला रो था फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया, दूसरा रो 2 0 सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये भी आपको समझ में आएगा। अगेन हम क्या करेंगे ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड में ये साथ आता रहेगा डियर स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे अब 1 और ये दोनों आपस में माइनस हो रहे हैं, ट्रांसपोज हमने ले ली ट्रांसपोज खत्म हो गया डियर स्टूडेंट, अब सिंपल ये माइनस हो रहे हैं तो माइनस तो आपको पता है कि क्यों, अब ये 1 माइनस 1 डियर स्टूडेंट 1 माइनस 1 0 आएगा, देखिए स्टूडेंट 1 माइनस 1 0, 1 से 1 निकालो डियर स्टूडेंट 0 0 माइनस 2 डियर स्टूडेंट -2 आएगी, इस तरीके से 2 माइनस 1 डियर स्टूडेंट्स 1 आता है, 1 माइनस 0 डियर स्टूडेंट्स 1 आता है, तो इसका नाम इक्वेशन 2 रखें डियर स्टूडेंट्स। अब देखें डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 0 माइनस 2 1 1 0 माइनस 2 1 1, तो डियर स्टूडेंट्स जब हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कंपेयर करवाते हैं राइट हैंड साइड दोनों का सेम है तो डियर स्टूडेंट्स हमें क्या पता चलता है, जब राइट हैंड साइड दोनों का सेम है तो हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी होल ट्रांसपोज इसके बराबर है। तो डियर स्टूडेंट्स मैं यहां लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स ए माइनस बी होल ट्रांसपोज लेने से हमारे पास ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर है, हम लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स हैंस प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, बस सिलेबस का हिस्सा है जिस वजह से हम कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे लेक्चर्स और जो लेक्चर सीरीज डियर स्टूडेंट्स सही से फॉलो करें, क्योंकि टाइम थोड़ा लॉन्ग लेक्चर्स हैं लेकिन तमाम कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पर बता दिए हैं, और इसके बाद अब पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, देखें कुछ पार्ट नंबर 3 सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ये क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, क्या है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, डियर स्टूडेंट सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट आपको पता है, ये मैं समझा देता हूँ कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, डियर स्टूडेंट्स देखें इसका मतलब क्या होता है, अगर ए मैट्रिक्स प्लस ए का ट्रांसपोज लेंगे इसका मतलब मैथमेटिक में इज इक्वल टू को कहते हैं डियर स्टूडेंट, इक्वल टू सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो डियर स्टूडेंट्स इसको नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट करते हैं तो भी वही
मैट्रिक्स है, डिसिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसको कहते हैं। अगर एक मैट्रिक्स है अगर उसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो अगेन वही मैट्रिक्स आ जाए। तो डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसीलिए हम यहाँ पे भी यही करेंगे। डियर स्टूडेंट क्या है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक का मतलब हो गया डियर स्टूडेंट्स, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। डियर स्टूडेंट्स अगर इसका हम ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज लेंगे तो भी ये दोनों इक्वल आएंगे। ऐसे में सिमेट्रिक का मतलब यही है, डियर स्टूडेंट्स एक मैट्रिक्स से इसका ट्रांसपोज लेने से वही मैट्रिक्स आ जाए। तो आइए डियर स्टूडेंट्स को सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी है, हम ये कंडीशन लेके चलते हैं। सबसे पहले हम ए प्लस ए लेफ्ट हैंड साइड लेंगे डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में ए क्या है हमारे पास, ए ए मैट्रिक्स लिखते हैं 1 2 0 1 1 2 0 1 में प्लस है डियर स्टूडेंट्स, अगेन ए मैट्रिक्स 1 2 0 1 है, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। डियर स्टूडेंट्स समझ में आया होगा कि मैंने ए प्लस ए होल ट्रांसपोज ए प्लस ए ट्रांसपोज लिया। डियर स्टूडेंट्स देखें लेफ्ट हैंड ये जो है 1 2 0 1 अपनी जगह पर प्लस, इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करें। डियर स्टूडेंट्स ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट होंगे, तो 1 2 फर्स्ट रो था फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट हो गया, 0 1 सेकंड रो था सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। डियर स्टूडेंट्स ट्रांसपोज खत्म हो गया, अपन को सिंपल एडिशन करें। डियर स्टूडेंट्स क्या आता है, 1 + 1 2 आता है, 2 + 0 2 आता है, 0 + 2 2 आता है, 1 + 1 डियर स्टूडेंट्स 2 आता है। मेरे पास आ गया ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए प्लस ए ट्रांसपोज की यही आ गई। डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड यही आ गई, मैं इक्वेशन वन का नाम देता हूँ। अब मैं राइट हैंड साइड की तरफ चला जाता हूँ, तो डियर स्टूडेंट राइट हैंड साइड में मुझे क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में मुझे चाहिए डियर स्टूडेंट्स ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज लेना है। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास ये इक्वेशन वन में है ए प्लस ए ट्रांसपोज है, हम इसका होल ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, 2 2 2 2 होल ट्रांसपोज। डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन टू कहीं हम अगेन मैं इसका होल ट्रांसपोज लेता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, मेरा राइट हैंड साइड आता है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए ट्रांसपोज लेने से नंबर ऑफ रो कॉलम में कन्वर्ट होंगे, यानी 2 2 था तो 2 2 में कन्वर्ट हो गया, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स यही आ गया इक्वेशन वन और इक्वेशन टू। देखें डियर स्टूडेंट्स ये इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू हमें ये बता देता है कि अगर हम ए प्लस ए ट्रांसपोज लें जो आंसर आता है, अगर इसका ए प्लस ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज करें तो अगेन वही आंसर आता है। हमें क्या हमने प्रूफ की डियर स्टूडेंट्स कि ये क्या है, ए है फ्रॉम ए हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। डियर स्टूडेंट ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ये हमें बता देते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज पोस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैट्रिक्स सिमेट्रिक। तो हमें हमने प्रूव किया डियर स्टूडेंट ये स्टेटमेंट जो थी हमने वो प्रूव किया, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, ये बेटा ये सिमेट्रिक है कहलाती है क्योंकि हमने ये प्रूव कर दिया। उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट 4 की तरफ। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे जो पार्ट यहाँ पे आपको कुछ नजर आ रहा होगा कि पार्ट थ्री जो है वो और पार्ट 5 जो है वो ये दोनों सिर्फ ए प्लस ए इज सिमेट्रिक, इधर बी प्लस बी इज सिमेट्रिक। डियर स्टूडेंट्स ए प्लस ए जिस तरीके से हमने किया था इसी तरीके से बी प्लस बी, बस सिर्फ ए की जगह बी आएगा। डियर स्टूडेंट्स ये आप खुद करें, इसको मैं होमवर्क देता हूँ आपको क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो स्टूडेंट्स को फिर देखना भी थोड़ा मसला आ जाता है क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट बताने भी होते हैं, थ्योरी भी पढ़ानी होती है और वन बाय वन पार्ट करवाना थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये और ये दोनों सिमिलर है पार्ट 3 और पार्ट 4 पार्ट 5। डियर स्टूडेंट्स ये आप मैंने ये करवा दिए हैं, आप ये खुद करो और इसके बाद क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 और पार्ट 6 सिमिलर है। डियर स्टूडेंट्स इसमें क्या करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक हमने फाइंड आउट प्रूफ करनी है और यहाँ पे बी माइनस बी ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक में प्रूफ नहीं करूँगा, ये आप खुद करें क्योंकि बी माइनस बी ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक पार्ट नंबर 6 में करूँगा, ठीक है कि नहीं डियर स्टूडेंट्स। इसी तरह ही पार्ट नंबर 4 भी आप करें तो पार्ट नंबर 6 में करवाऊंगा। डियर स्टूडेंट्स देखिए बी माइनस बी ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक। डियर स्टूडेंट्स
ये कह रहा है कि b माइनस बी ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक। डियर स्टूडेंट, सिक्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट आपको फिर मैं रिकॉल करता हूँ कि सिक्यू सिमेट्रिक इस मैट्रिक्स को कहेंगे, हमारे पास अगर एक मैट्रिक्स है इसका हम ट्रांसपोज लेने से तो हमारे पास माइनस ए आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, माइनस वही मैट्रिक्स, माइनस के साथ वही मैट्रिक्स आ जाता है, तो उसको कहते हैं डियर स्टूडेंट्स सिक्यू सिमेट्रिक है। ये मैट्रिक्स सिक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहलाती है। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, आप ये स्टेटमेंट को समझते हैं कि स्टेटमेंट बी माइनस बी ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, ये पूरा समझे तो एक पूरा मैट्रिक्स है, इज का मतलब इक्वल टू सिक्यू सिमेट्रिक। डियर स्टूडेंट्स, माइनस बी माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज लेंगे तो ये माइनस के बराबर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स हमने यही प्रूव करना है, बी माइनस बी ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड होगी हमारी, और राइट हैंड साइड माइनस इनटू बी माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज ये हमारा राइट हैंड साइड होगी। डियर स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आए तो हम कहेंगे कि हाँ ये प्रूफ है और ये बी माइनस बी ट्रांसपोज सिक्यू सिमेट्रिक है कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, हम देखते हैं कि सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स बी माइनस बी ट्रांसपोज है। डियर स्टूडेंट्स, बी क्या है, बी मैट्रिक्स हमें गिवन है, यही है बी मैट्रिक्स है। डियर स्टूडेंट्स, 1 1 2 0 है। डियर स्टूडेंट्स, दरमियान में माइनस के साइन है, फिर इसके बाद अगेन बी मैट्रिक्स है और इसके ऊपर क्या है डियर स्टूडेंट्स ट्रांसपोज है। तो बी मैट्रिक्स 1 1 2 0 है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, देन इसके बाद ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, तो 1 1 2 0 होगा। डियर स्टूडेंट्स, माइनस इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई करें, डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ फर्स्ट रो नंबर ऑफ फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट होगा, नंबर ऑफ यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट हो गया। डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज खत्म हो गया। अब इन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट करें, सबट्रैक्ट किस तरीके से करते हैं डियर स्टूडेंट्स आपको पता है, 1 -1 0 आएगा, 1 -2 -1 आएगा डियर स्टूडेंट, 2 -1 1 आएगा, 0 -0 डियर स्टूडेंट्स 0 आएगा। हमारे पास यह आ गया डियर स्टूडेंट्स बी माइनस बी ट्रांसपोज आ गया। तो इक्वेशन वन का नाम दिया, अगेन हम राइट हैंड साइड प्रूफ करते हैं डियर स्टूडेंट्स, राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड प्रूफ करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको इसका हम टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड करेंगे, तो डियर स्टूडेंट्स बी माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज होगा। तो ये क्या होगा डियर स्टूडेंट देखिए, इसका भी हम ट्रांसपोज 1 -1 1 0। तो डियर स्टूडेंट देखिए, बी माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इसके ऊपर भी ट्रांसपोज आएगा। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको क्या करें, नंबर ऑफ रो को कॉलम में 0 1 0 -1 कॉलम में कन्वर्ट हो गया, 1 और 0 1 और 0 ये भी रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया। अगर डियर स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस में आना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, इधर से हम क्या करेंगे, क्या माइनस मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड करेंगे, इस साइड के साथ भी मल्टीप्लाई और इस साइड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। डियर स्टूडेंट्स देखिए, माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इधर भी माइनस आएगा डियर स्टूडेंट्स, जब माइनस आता है तो 0 1 -1 0। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये माइनस इन सब के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 0 के साथ भी मल्टीप्लाई, -1 के साथ भी, -1 के साथ भी, -0 के साथ भी। तो डियर स्टूडेंट्स क्या आएगा हमारे पास, ये हमारे पास आएगा डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये 0 आएगा, -1 आएगा, 1 आएगा, ये -1 प्लस होगा, फिर 0 आएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 बनती है। डियर स्टूडेंट देखिए, बी माइनस बी ट्रांसपोज हमारे पास 0 -1 1 0, और इसके बाद माइनस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज हमारे पास क्या रहा है, 0 -1 1 और 0। डियर स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करवाएं, देखिए राइट हैंड साइड इसका भी और इसका भी सेम है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 डियर स्टूडेंट्स किसके बराबर है कंपेयर करवाने से हमारे पास मिला कि बी माइनस बी ट्रांसपोज जो हमारे पास बराबर हो गया माइनस बी बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज के बराबर हो गया। इसका मतलब तो यही है ना डियर स्टूडेंट देखिए, बी माइनस ये पूरा एक मैट्रिक्स है समझो, तो इस मैट्रिक्स का हम और इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हो तो माइनस उस मैट्रिक्स आता है। तो हम कह सकते हैं कि हेंस जो बी माइनस बी ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक तो प्रूव हो गया। डियर स्टूडेंट, आई होप डियर स्टूडेंट्स ये काफ़ी लंबी वीडियोस थी, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, क्योंकि हम अगर सारे कॉन्सेप्ट के साथ नहीं पढ़ाते
लाजमी बात थी, वीडियो शॉर्ट होनी थी और आपको समझ में भी नहीं आना था, लेकिन थोड़ा आप भी सब्र का मुजाहिर करें और सही तरीके से आप पढ़ें। डियर स्टूडेंट्स, आपका काम है सही से समझना, मेरा काम है समझाना। तो मुझे उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको ये मेरी लेक्चर समझ में आया होगी। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर मेरी ये वीडियोस आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आपकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।